हाय लोग गाइस, मैं नितीश मोडी न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे मार्वल डीसी से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। बात करेंगे कुछ ऐसे अपडेट के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफी ज्यादा कमाल के। तो सबसे पहले बात करते हैं विन डीजल की अपकमिंग मूवी ब्लड शॉट के बारे में। ये मूवी थिएटर में रिलीज होगी इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु में, यानी कि ये ऑफिशियल कन्फर्मेशन है कि इंडिया में ये हिंदी में रिलीज होगी। अब बात करते हैं एंटमैन 3 के बारे में। एंटमैन 3 ऑफिशियली कन्फर्म हो चुकी है मार्वल की तरफ से। मार्वल ने एक और चीज का रूमर दिया है कि इस मूवी में हमें यंग एवेंजर्स का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। मेरे हिसाब से इसके ऊपर अलग से मूवी बननी चाहिए, पर वो इंट्रोडक्शन करवाना चाह रहे हैं एंटमैन 3 में, तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं इनह्यूमंस के बारे में। ये एक टीवी सीरीज थी, बट मार्वल अब फ्यूचर में इनको रिबूट करेगा। जी हाँ, ये एक रूमर है, कोई ऑफिशियल कन्फर्म नहीं है, पर सारे कैरेक्टर रिबूट होंगे इन फ्यूचर में। उसके बाद बात करते हैं फैंटास्टिक बीस्ट 3 के बारे में। इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली 2020 में फरवरी के महीने से, यानी कि इसकी भी हमें सेट फुटेज देखने को मिलेगी और काफी कमाल की सीरीज है। अब बात करते हैं क्रिस पिट के बारे में, जो कि स्टार लॉर्ड का कैरेक्टर प्ले करते हैं मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। इनसे रिलेटेड अपडेट ये है कि हॉरर अपकमिंग मूवी द क्विट प्लेस पार्ट 2 में इनका एक रोल होगा, कोई कैरेक्टर होगा जो कि इस मूवी में ये कन्फर्म है, पर देखते हैं कि कौन सा रोल प्ले करने वाले हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के बारे में। ये अपकमिंग टीवी सीरीज है। अब इसमें अपडेट ये आया है कि जो उसके कैरेक्टर हैं, यानी कि सेबेस्टियन, जो कि विंटर सोल्जर का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने ये बताया कि अपकमिंग टीवी सीरीज में जो मेरे पास हैंड है, आर्मर है वाइब्रेमियम का, उसमें काफी सारे यूनिक फीचर हैं जो कि उस टीवी सीरीज में देखने को मिलेंगे। उसी के साथ अब बात करते हैं जिमी के लाइव शो में। तो स्कारलेट जॉनसन उनके शो में आई थी, उन्होंने अपने कैरेक्टर के बारे में काफी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, काफी सारी ट्रिक्स बताई हैं, तो आप जाके देखिए उनके शो को, वो काफी कमाल का है। अब बात करते हैं फैल्कन के बारे में, जो कि इनका रोल प्ले करते हैं। तो उन्होंने अपने सीक्रेटली इंस्टाग्राम एक अकाउंट बनाया जो कि किसी को नहीं पता चला अभी तक, और देन उन्होंने सबसे पहले ये इमेज डाली, और फाइनली आप उनको जाके फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। अब उनका ऑफिशियली एक अकाउंट है। काफी लोग कह रहे थे कि इन एक्टर्स के अकाउंट नहीं, पर उन्होंने अभी अकाउंट बना लिया है। उसके बाद ऑफिशियली एक पोस्टर लॉन्च हुआ है स्टार वॉर्स का, जो कि स्काईवॉकर का काफी कमाल का लग रहा है, और अब 50 दिन रह गए इस मूवी को रिलीज होने के लिए, और ये मूवी भी हिंदी में रिलीज हो रही है। MIB इंटरनेशनल ये मूवी हिंदी में आ चुकी है अमेजोन प्राइम पर, आप जाके देख सकते हो जिनके पास अमेजोन प्राइम है। काफी कमाल की मूवी, मैंने तो देख ली है। आर्मी ऑफ द डेड ऑफिशियली ब्रेप हो चुकी है। जैक स्नाइडर ने ये इमेज डालकर कंफर्मेशन करा कि ये मूवी की शूटिंग खत्म हो चुकी है। अब बात करते हैं स्पाइडरमैन के मास्क से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो उसका एक ऑफिशियली कौन सा पार्ट लॉन्च हुआ था, जिसमें कि मास्क बुरी तरीके से फटा हुआ था, पर इनसाइड से कभी मास्क किसी ने नहीं देखा। तो जी हाँ, फाइनली वो इमेज भी रिवील्ड हो चुकी है। एक आर्ट डिजाइनर है मार्वल फार फ्रॉम होम के, उन्होंने ये इमेज डालकर क्लियर करा कि अंदर से एक्चुअल में कैसा दिखता है मास्क स्पाइडरमैन का। वंडर वुमन गैल ने एक इमेज डाली। जी हाँ, ये कौन सा पार्ट था, और आपको पता होगा इसका ट्रेलर आने वाला है जो कि काफी कमाल का होने वाला, और उन्होंने ये डाल के इससे चीज से कंफर्म करा। जिन फोस्टर जो कि थॉर 4 में उन्हें ब्रेस्ट कैंसर होगा, ये एक स्टोरी का प्लॉट है जो कि कंफर्म हो चुका है, और ये चीज 100% कंफर्म है। साथ ही साथ क्रेडी बी जो कि एक पॉप सिंगर है, वो फास्ट एंड फ्यूरियस 9 में आ रही है। जी हाँ, जो कि विन डीजल ने स्टोरी डालकर वीडियो डालकर खुद कंफर्म करा। बैटमैन सीरीज के अगर आप गेम के फैन हो तो इसका चौथा पार्ट भी आ रहा है। जी हाँ, अर्कम सीरीज का, जो कि होगा द बैटमैन अर्कम लेगेसी। काफी कमाल का गेम है, तीनों पार्ट तो काफी जबरदस्त थे। उसी के साथ स्कारलेट जॉनसन ने कंफर्म कर दिया कि ब्लैक विडो एक्चुअल में मर चुकी है एवेंजर एंड गेम में। काफी लोगों के रूमर्स थे, प्रॉब्लम थी, उनको क्लियर नहीं हो रहा था, पर उन्होंने ये चीज खुद कंफर्म करी। एक्वामैन स्टार जेसन मोमोआ ने कंफर्म कर दिया है कि एक्वामैन 2 उनके लिए काफी बड़ा बिग स्कोप होगा, यानी कि आने वाली फ्यूचर में उनके लिए बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हर्ली क्विन का एक ऑफिशियली बिना मेकअप का टेस्ट इमेजेस सामने आई हैं। इससे ये चीज कंफर्म हो जाती है कि एक्चुअल में लोग कितनी मेहनत करते हैं अपने मेकअप के लिए, टेस्ट इमेजेस के लिए, तब जाके एक मूवी फाइनल बनती है। और हम लोग मूवी को देखने के बाद ये कहते हैं कि मूवी तो कितनी बेकार है, पर इन टेस्ट इमेजेस से कंफर्म हो जाता है। और ये अपलोड करी डेविड डायरेक्टर ने सुसाइड स्क्वाड पार्ट 1 के। उसी के साथ जोकर का एक रूमर आया कि ये चाइना में रिलीज नहीं हो रही है। अब क्यों नहीं रिलीज हो रही है, इसका कोई अभी तक ऐसा कंफर्मेशन नहीं है, बट अगर ये चाइना में रिलीज हो जाती है तो शायद और भी ज्यादा अर्निंग करेगी। मिशन इम्पॉसिबल जो कि टॉम क्रूज की अपकमिंग मूवी है, इसका 7वां और 8वां पार्ट की शूटिंग वॉर्नर वॉर्स स्टूडियो में हो रही है, तो मैं जल्दी से इंतजार कर रहा हूँ इसकी भी कोई सेट इमेजेस आए। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर्स एंड गेम के कुछ कौन सा पार्ट आए, आउटराइडर्स के, जिसमें कि डॉक्टर स्ट्रेंज और हमारा विजन भी लड़ रहा है। जी हाँ, नोटिस करने वाली बात है विजन, यानी कि इसका मतलब विजन भी रिटर्न हो चुका था स्नैप द फिंगर से, पर ये चीज हमें रिवील्ड नहीं करी गई, पर कौन सा पार्ट में पता चल चुका है। काफी कमाल का लग रहा है और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था। अब बात करते हैं थॉर 4 में कैप्टन मार्वल का भी कैमियो हो सकता है, जो कि वेलकरी के साथ लव रिलेशन में रहेंगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसी के साथ आप बात करते हैं कुछ सेट इमेजेस के बारे में। अब ये सारी सेट इमेजेस हैं दी इंटरनल्स की, तो काफ़ी कमाल की लग रही हैं, जिसमें कि हमें पुराना टाइम दिखाया गया है, एशियन टाइम दिखाया गया है, जो कि काफ़ी हजारों साल पुराना होगा, पर इसका ईयर भी कंफर्म हो चुका है कुछ ना कुछ, जो कि कुछ यूनिक होने वाला है।
तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जल्दी से इसकी मूवी के और सेट इमेजेस आए और हमें और भी चीजें धीरे धीरे कंफर्म हो। ऑफिशियली जोकर का एक पोस्टर लॉन्च हुआ है जो कि बेस्ट पिक्चर के लिए है। अब ऑस्कर में ये मूवी जा रही है, बेस्ट एक्टिंग के लिए भी जा रही है, तो आपको क्या लगता है क्या ये मूवी बेस्ट पिक्चर ऑस्कर अवार्ड जीत पाएगी या नहीं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं फाइनली शी हल्क का एक कौन सा पार्ट आया काफी कमाल का, आपको लोगों को तो ये काफी ज्यादा पसंद भी आया होगा। ये एक्चुअली एक एक्ट्रेस का है जो कि कहना है कि ये मूवी में वो रोल प्ले करें शी हल्क, तो काफी कमाल का लग रहा है। ब्री लैंसन ने अपने इंस्टाग्राम पे एक इमेज डाली जिसमें कि वो सबसे पहले वाले कैप्टन अमेरिका के साथ है। जी हाँ, काफी कमाल का लग रहा है ये कॉस्ट्यूम, आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं डेविड के बारे में, तो डेविड ने जोकर की एक इमेज डाली है जो कि सुसाइड स्क्वाड के डायरेक्टर है पहले पार्ट के। ये इमेजेस काफी कमाल की लग रही है जिसमें कि उनका मेकअप और टैटूज रिमूवल करके दिखाए गए हैं। द विचर ये नेटफ्लिक्स की एक अपकमिंग टीवी सीरीज है जो कि काफी कमाल की है और आप देख सकते हो कि उनका ये लुक काफी ज्यादा अलग लग रहा है और अभी तक ये ऐसी कोई ऑफिशियली रिलीज भी नहीं हुई है। उसी के साथ सोनिक का कैरेक्टर जो था उसमें वो बिल्कुल चेंज कर दिया कंप्यूटर द्वारा, आप देख सकते हो काफी कमाल का लग रहा है। अब बात करते हैं नेटफ्लिक्स की अपकमिंग नई सुपर हीरो मूवी के बारे में, तो ये उसका ऑफिशियली सेट इमेजेस है, ऑफिशियली कॉस्ट्यूम आप देख सकते हो कितना कमाल का लग रहा है और ये टीवी सीरीज एक सुपर हीरो मूवी जैसे कि द बॉयज आई थी, काफी ज्यादा मजेदार है। मॉर्टल कॉम्बैट की ऑफिशियली एक सेट इमेजेस आई सामने, तो यहाँ पर उनकी शूटिंग चल रही है और आप कैरेक्टर को देख सकते हो आगे खड़े हुए हैं और काफी सारे क्रू मेंबर की टीम के लोग भी खड़े हुए हैं। डेडपूल 2 में एंड में हमें थिंक दिखने वाला था, जी हाँ डायरेक्टर ने कंफर्म करा कि उसमें हम फैंटास्टिक 4 का कैरेक्टर इंक्लूडिंग करने वाले थे पर ऐसा नहीं करा। ऑफिशियली अल्ट्रॉन का एक पोस्टर लॉन्च हुआ है काफी कमाल का, जी हाँ ये एक वीआर है, अगर आप वीआर गेम खेलते हो तो आपको पता होगा कि एक वीआर गेम आ रहा है अल्ट्रॉन के लिए। साथ ही साथ HBO मैक्स ने अपनी स्ट्रीमिंग सर्विस स्टार्ट कर दी है जिसमें कि कंफर्म करा है वॉर्नर वर्ड्स कंपनी ने कि वो ग्रीन लैंटर के ऊपर एक ऑफिशियली टीवी सीरीज बनाने वाले हैं। जी हाँ ये एक DC की टीवी सीरीज होने वाली है और वो HBO मैक्स पर लॉन्च करेंगे, तो सभी को पता है ये टीवी सीरीज भी काफी कमाल की जाने वाली है। उसी के साथ अब कंफर्म हो जाता है दी एंडरल्स की कि टाइमलाइन एक्चुअल में है क्या, तो जी हाँ अभी उन्हीं की एक एक्ट्रेस ने एक इमेजेस डाली, पुराना कॉस्ट्यूम डाला वो होता एशियन का और पीछे लिखा था 800 BC यानी कि 800 साल से ज्यादा भी पुराना है ये इंटरनल्स का ईयर, तो आप समझ सकते हो कितनी पुरानी टाइमलाइन स्टाइल चलेगी। डिज्नी ने ऑफिशियली 2 पोस्टर लॉन्च करे हैं एवेंजर एंड गेम के बेस्ट पिक्चर के लिए, बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन के लिए और बेस्ट एक्टिंग के लिए, तो 100% काफी लोगों को लग रहा है जो मार्वल फैंस हैं उनको तो ये कहना है कि ये मूवी ऑस्कर लेके जाएगी। अब आपके मन में क्या थॉट्स है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और उसी के साथ जेसन मोवा ने अभी हाल ही में वॉर्नर वर्ड्स के साथ एक मीटिंग करी है और वो जल्दी से कुछ ना कुछ सरप्राइज देने वाले हैं, उन्होंने ये इमेज डाल के कन्फर्म करी अपने इंस्टाग्राम पर, तो मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। डिज्नी की पायरेट्स ऑफ कैरेबियन फाइनली रिबूट हो रही है, उनका डायरेक्टर भी कन्फर्म हो चुका है, अगर आपको कन्फर्म करना है पता करना है तो आप मेरे इंस्टाग्राम ट्विटर अकाउंट पर जाके देख सकते हो। जेम्स गन ने एक इमेज डाली है पंपकिन के साथ जो कि हैलोवीन चल रहा है सभी को पता होगी और उससे वो अपनी फैमिली दिखाना चाह रहे हैं कि मैं क्रू मेंबर के साथ कितना ज्यादा जुड़ा रहता हूँ। जेफरी कन्फर्म हो चुके हैं कमिश्नर गॉर्डन के लिए जो कि बैटमैन अपकमिंग मूवी में है, तो एक यंग और ब्लैक कमिश्नर गॉर्डन देखने को मिलेगा हमें बैटमैन मूवी में। जोकर को भी इंक्लूडिंग करा जाएगा HBO मैक्स पर स्ट्रीमिंग सर्विस में, जी हाँ यानी कि DC की सारी मूवी हमें देखने को मिलेगी प्लस इंक्लूडिंग जोकर भी होगी। उसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग सीजन के 8 एपिसोड होंगे, जी हाँ सीजन 4 में हमें 8 एपिसोड देखने को मिलेंगे और 6 नवंबर को इसके एक सरप्राइज आने वाला है तो वो देख के ही पता चलेगा। हैलोवीन में निकी मिनाज ने एक यूनिक कॉस्ट्यूम पहना हार्ली क्वीन का, जी हाँ तो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही है, आपने मेरे थंबनेल में भी देख लिया होगा। साथ ही साथ सॉन्ग ची का ऑफिशियली वर्किंग टाइटल कन्फर्म हो चुका है, वो है द ड्रैगन, ये इसका एक वर्किंग टाइटल है जो कि मूवी की शूटिंग के दौरान यूज करा जाता है और मूवी का नाम नहीं बताती है। केविन फाइगी ने कंफर्म कर दिया है कि वो हर साल 3 से 4 मूवी रिलीज करेंगे मार्वल फेज 4 में फेज 5 में, ये एक अपकमिंग मूवी होने वाली है। और साथ ही साथ बीस्ट बॉय का एक ऑफिशियली नया लुक आया है जो कि काफी कमाल का लग रहा है और उनके बगल में जो एक्टर खड़े हुए हैं वो भी एक रोल प्ले करने वाले हैं, तो अभी ऐसा कुछ रिवील्ड नहीं हुआ है ज्यादा खास। उसी के साथ एक यूनिक अपडेट, आपको यकीन नहीं होगा एवेंजर एंड गेम में 4 साल बाद सब लोग तबाह हो गए थे, 5 साल बाद उसके बाद प्रेसिडेंट पता है कौन बनता, वॉर मशीन, जी हाँ ये एक यूनिक अपडेट था जो कि हमें मूवी में दिखाना था पर नहीं दिखाया। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, तो कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो, अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देखो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें, रियली में आपको जो वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो, जो बंदी इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर थैनोस उसके हाथ मारो या पैर मारो पर और कुछ मत मानना, बाय बाय जा रहा हूँ।